हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन सो गाइस हम क्लास नाइन्थ का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास नाइन 2023 बैच ओके okay? तो बेसिक से लेके स्टार्ट करेंगे और मेरी मेन कोशिश रहती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है कि दो बुक्स आपको लेकर के मैं चलाऊँ एक आर शर्मा एंड एक आर एस अग्रवाल पहले मैं आर एस अग्रवाल लगाता हूँ आर एस अग्रवाल लगाने से क्या होता है बेटा कि आपका चैप्टर बहुत ग्रिप में आ जाता है जबरदस्त तरीके से एन लगाने से चैप्टर आपका ग्रिप में नहीं आएगा मजबूत नहीं होगा आपको एन लगाने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा बट एक बार आप आर एस अग्रवाल लगा लोगे ना आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और आपकी वीकनेस बिल्कुल की बिल्कुल गायब हो जाएगी फिर उसके बाद अगर आपने आर डी शर्मा लगा ली फिर तो बात ही क्या आपने फिर सब कुछ ख़त्म कर दिया मैथ्स खत्म कर दी मतलब आपने एक तरीके से आर शर्मा आपने इस लेवल पे लगा ली तो <coughs> तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर वन हमारा मैथ्स का मैथ्स का चैप्टर नंबर वन है नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम ओके नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम जानेंगे कि जो नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं जो हम नंबर यूज करते हैं यू एन पेन ओके सो so, नंबर जो हम यूज़ करते हैं हमारे पास नंबर को दिखाने के कौन कौन से सिस्टम है वट आर द टाइप ऑफ सिस्टम वी हैव टू रिप्रेजेंट द नंबर्स गणित के डेवलपमेंट से अलग अलग टाइप की फैमिलीज आती रही है नंबर की उन फैमिलीज को हम यहां पर जानेंगे कि वो फैमिलीज कौन सी हैं तो मुझे बता सकते हैं कि सबसे पहली फैमिली कौन सी है नेचुरल नंबर बिल्कुल सही बच्चों ये नंबर सिस्टम की पहली फैमिली है नंबर सिस्टम की पहली फैमिली है ठीक है ना जैसे परिवार बड़ा होता है ना तो सबसे छोटा जो परिवार है नंबर्स का सबसे छोटा परिवार वो क्या है नेचुरल नंबर सो वॉट आर नेचुरल नंबर डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर क्या है बताओ यस नो रॉन्ग आंसर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू इंफिनिटी नेचुरल नंबर नहीं कहलाता बेटा और दूसरा एग्जाम्पल दो बताओ और आंसर बोलो वॉट आर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर की डेफिनेशन है बेटा नंबर यूज फॉर काउंटिंग पर्पज द नंबर यूज फॉर काउंटिंग पर्पज ऐसे नंबर जो काउंटिंग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर तो डिफिनेशन लिखिए नंबर यूज फॉर काउंटिंग पर्पज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर ओके एंड नेचुरल नंबर कैन बी गिव नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई एन यू कैन से फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाई एन ये सो नो एंड इज द काउंटिंग नंबर फर्स्ट एलिमेंट्री काउंटिंग नंबर क्या वन

चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं बेटा सेकेंड टाइप ऑफ नंबर क्या है बोल नो वो नंबर बेटा आगे चले गए आप तो तो नंबर 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 क्या है ओके नेचुरल okay. की फैमिली पता चल चुकी थी नेचुरल नंबर की फैमिली में आर्यभ्ट ने डिस्कवर करके जीरो और ऐड कर दिया तो नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो वन टू थ्री फोर अप टू एंडलेस काउंट है ना अनकाउंटेबल इनको हम क्या बोलते हैं वोल नंबर तो ये जो सेट कहलाता है दिस फैमिली इज कॉल्ड

हां लार्जेस्ट होल नंबर क्या है नॉट डिफाइंड लार्जेस्ट होल नंबर नॉट डिफाइंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वन लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नॉट डिफाइंड यस नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटीजर इंटीग्रल इंटीजर नंबर थर्ड इंटीजर्स ओके कोई मुझे इंटीजर्स की डेफिनेशन बता सकता है नो no, रॉन्ग हाँ बताओ नो रॉन्ग बिल्कुल गलत नो 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 ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर सुनना ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर निगेटिव नेचुरल नंबर विद जीरो ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर निगेटिव नेचुरल नंबर विद जीरो मतलब तीन चीजें यहां पे रहेंगी होल नंबर में इट इज द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर वॉट नंबर पॉजिटिव एंड निगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूड विद जीरो है ना तो इसमें पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी होगा निगेटिव नेचुरल नंबर भी होगा और साथ में साथ जीरो भी बनेगा इसका जो ग्रुप बनेगा वो कहलाएगा इंटीजर्स इनको हम किससे शो करते हैं आई से किससे शो करते हैं आई।, आई से सो so, आई से देखो बीच में बीच में क्या रहेगा जीरो एंड नाउ पॉजिटिव नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर एंडलेस काउंट है ना माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सो ऑन। सो ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर ग्रुप ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर है ना लिखो इंटीजर के डेफिनेशन लिखो द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स नेगेटिव नेचुरल नंबर्स द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स

हाँ वी डिनोट वी डिनोट इंटीजस वी डिनोट इंटीजस बाई सिंबल दो सिंबल है बेटा आ इधर आई यूज करोगे या जेड यूज करोगे बाई सिंबल आई और जेड आई और बेटा दो सिंबल होते हैं ना इसके इसका सिंबल क्या एन है इसका सिंबल डब्ल्यू है इसका सिंबल आई और जेड है सो ये फैमिली हो गई है चलो बढ़ते जा रही फैमिली सबसे पहले हमारी नेचुरल नंबर फैमिली थी नेचुरल नंबर सबसे छोटी फैमिली नेचुरल नंबर को कवर करके क्या बन गई वोल नंबर वोल नंबर को कवर करके क्या बन गई एंटीजर अब आ रही अगली फैमिली क्या हो सकता बोलो नाम यस रेशनल नंबर राइट डाउन रेशनल नंबर्स क्या होते हैं भाई रेशनल नंबर्स यस हाँ यस द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो चलिए बिल्कुल सही है ऐसे नंबर जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो ऐसे कोई भी नंबर जिनको आप पी अपॉन क्यू के सपोज एक एक्स कोई नंबर है आपके पास में एन एक्स आपने लिखा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में और याद रहे कि यहाँ पर क्यू है डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं है तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स अब सवाल उठता है ऐसे कौन से नंबर हैं जो रेशनल नहीं है मैं आपसे इस कुछ सवाल पूछता हूं क्या जीरो रेशनल है yes. क्यों गुड आंसर बिल्कुल सही वी कैन राइट जीरो जीरो बाई वन और जीरो बाई टू क्लिक कर रही हूँ ना बेटा समझ में आ रहा ना जीरो इज इकल्स टू जीरो बाई वन और जीरो बाई टू ओके जीरो बाई थ्री एनी वी कैन राइट बिकॉज न्यूमनेटर जीरो हो डिनोमिनेटर कुछ भी बना रहे आंसर क्या आएगा जीरो आएगा ये सो जीरो इज अ रेशनल नंबर जीरो इज अ रेशनल नंबर नाउ वन इज अ रेशनल नंबर यस और नो वन इज अ रेशनल नंबर यस बिकॉज वन को क्यों आप बताओगे वन क्यों है रेशनल नंबर कैसे किसी भी फॉर्म में मतलब नहीं नहीं लिख सकते तो वन को वन अपॉन टू कैसे लिख लोगे भाई वन को वन अपॉन टू कैसे लिख लोगे वन और वन अपॉइंट टू तो अलग अलग है यस बिल्कुल सही वन अपॉइंट वन की फॉर्म में लिखो ना भाई नीचे डिनोमिनेटर वन रहेगा तो इफेक्ट नहीं करेगा और बाकी डिनोमिनेटर कुछ चेंज कर दोगे तो इफेक्ट कर देगा हाँ है ना हां किसी नंबर को वन से डिवाइड करने में उसमें कोई चेंज नहीं, नहीं आता है बट अदर नंबर से डिवाइड कर दोगे तो चेंज आ जाएगा फिर आपको क्या सिर्फ जीरो में क्यों किया क्योंकि जीरो में किसी से भी डिवाइड करोगे जीरो ही आएगा जीरो एक अद्भुत नंबर है किसी से भी डिवाइड करोगे जीरो आएगा बट इनमें नहीं चलेगा वन मतलब वन बाई वन वन मतलब वन बाई वन सो ये नंबर कहलाते हैं हमारे कौन से नंबर रेशनल नंबर ओके द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड है ना इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स बिल्कुल सही वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो रेशनल नंबर की फैमिली को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऑल रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल क्यू नोट कर लो सो द फैमिली ऑफ रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल क्यू क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स की आप जानते होंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं सो सिंपल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बोलते हैं इनको हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोनों चीजें एक ही हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रैक्शन देखो बेटा जैसे आपके पास में थ्री बाई फोर कोई नंबर लिखा है बोलो ये सोनो थ्री बाई फोर कोई नंबर लिखा कि नहीं लिखा है अब आप मुझे ये बताओ बेटा कि थ्री बाई फोर को आप फर्दर कैंसिल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो नहीं पॉइंट में नहीं, नहीं, नहीं। फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं कर सकते नहीं कर सकते ना तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में है प्रॉपर फॉर्म में है किस फॉर्म में है प्रॉपर फॉर्म में है और अगर कोई इनका कुछ कॉमन फैक्टर ना हो इनका कॉमन फैक्टर क्या है वन और वन है ना इनका कॉमन फैक्टर क्या है वन और वन तो ऐसे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर वन हो इनको हम बोलते हैं को प्राइम क्या बोलते हैं तो थ्री एंड फोर यहां पर क्या है को प्राइम है थ्री एंड फोर क्या है यहां पे को प्राइम तो यहां पे थ्री और जो फोर है बेटा ये है को प्राइम बट यदि मैं बात करूं नाइन बाई ट्वेंटी वन बताइए क्या ये को प्राइम है no, नहीं है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर है दोनों को तीन कैंसिल कर सकता है मतलब तीन कॉमन फैक्टर है लिखने का तरीका ये हो सकता है आई कैन राइट थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री एंड सेवन मल्टीपाई थ्री येस और नो सो थ्री एंड थ्री गेट कैंसल्ड आउट एंड इट विल गिव अस थ्री बाई सेवन नाउ थ्री एंड थ्री बाई सेवन ये जो दोनों नंबर दिख रहे हैं इसमें थ्री और सेवन आर दीज को प्राइम यस दिज आर को प्राइम है ना तो अगर कोई कॉमन फैक्टर ना मिले तो बेटा वो कोप्राइम होते हैं बट यदि जब तक कॉमन फैक्टर मिलता है तब तक वो कोप्राइम नहीं होते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने की मैं बात कर रहा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में तुम कुछ भी कर सकते हो जैसे थ्री बाई सेवन है तो ऊपर का टू नीचे का टू मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ गया सिक्स अपॉन फोर्टीन नाउ थ्री बाई सेवन है ऊपर भी थ्री नीचे भी थ्री 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 जो नाइन अपॉन कितना ट्वेंटी वन तो ये कहलाता है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कहलाता है ओके okay, तो ये सब हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं अब हम आपसे एक सवाल करा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आता है कि सब पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि अभी तक हमने आपके सामने चार फैमिली आपको बता दी सबसे पहले नेचुरल नंबर देन उसके बाद होल नंबर देन उसके बाद आपका इंटीजर और इंटीजर के बाद मैंने आपको क्या बताया बोलू रेशनल नंबर ठीक है ना नेचुरल नंबर को कौन कंटेन करता है वोल नंबर वोल नंबर को कौन कंटेन करता है इंटीजर और इंटीजर को कौन कंटेन करता है रेशनल नंबर ठीक है ना मतलब कि सारे सारे इंटीजर्स सारे इंटीजर्स क्या होते हैं रेशनल नंबर बट सारे रेशनल नंबर क्या इंटीजर्स होंगे नहीं ये सो नो क्लियर हो गया ना सारे इंटीजर्स क्या होते हैं रेशनल नंबर मगर सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होंगे एग्जाम्पल के लिए वन अपॉन टू रेशनल नंबर तो है मगर इंटीज़र नहीं।, नहीं है तो इस चार्ट को अच्छे से समझो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है सारे होल नंबर इंटीजर तो है मगर सारे इंटीज़र होल नंबर नहीं है तो ये चार्ट बना लीजिए काम का है आपके डन ओके okay. अब चलिए देखते हैं कि अब मेरा साथ सवाल है कि दो नंबर के बीच में कितने रेशना नंबर होते हैं क्वेश्चन सुनिए देर आर हाउ मेनी रेशना नंबर बिटवीन टू नंबर्स रेशनल पूछ रहा हूं बिल्कुल सही दो नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं इन्फाइट नंबर्स जैसे मेरे पास में एक रेशना नंबर है वन बाई टू और मेरे पास एक रेशना नंबर है थ्री बाई टू ये देखिए दोनों रेशल नंबर है ना मैं कोई भी रेश कोई भी नंबर लिख दूंगा वो रेशनल ही होगा तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स मिल सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ठीक है ना अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मुझे नंबर लिख कर के बताना है इन दो नंबर्स के बीच में आपको मेरे को नंबर लिख कर के बताना है लिखिए क्वेश्चन फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन टू बाई सेवन एंड फोर बाई सेवन फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन टू बाई सेवन एंड फोर बाई सेवन टू बाई सेवन एंड फोर बाई सेवन के बीच में टू बाई सेवन एंड फोर बाई सेवन के बीच में फाइव रेशनल नंबर लिखने आपको टू बाई सेवन एंड फोर बाय सेवन के बीच में फाइव रेशनल नंबर लिखने हैं बहुत इजी है क्वेश्चन करिए तो पांच नंबर निकालने के लिए आपने क्या किया होगा टेन का ऊपर मल्टीप्लाई टेन का नीचे मल्टीप्लाई है ना तो टेन का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया टेन का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ऐसा भी कर सकते हो हाँ बोलो हाँ यही मेरा सवाल आपसे था कि टेन ही क्यों बताओ आप हाँ ये बात भी है सही बात है एकदम भाई इन्होंने टेन का मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि आप टेन मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक बहुत बड़ा गैप मिलेगा जरूरी नहीं कि टेन मिले टेन से काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं क्या मिल सकते हैं टेन से काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं परंतु यदि आप किसी छोटे नंबर का करते तो आपको कम नंबर मिलते है ना अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ देखिए आपको यहाँ पर आपने टेन का मल्टीप्लाई किया है तो आपको का बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे कैसे कितने सारे मिलेंगे देख लेता हूँ मैं कितने नंबर मिलेंगे ठीक ना स हाँ ट्वेंटी निकल रहे हैं कितने हाँ, निकल रहे हैं ट्वेंटी तो आपने टेन का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया इधर टेन का और इधर टेन का इधर भी टेन का और इधर भी टेन का तो कितना हो गया बोलिए ट्वेंटी अपॉन सेवेंटी और ये कितना हो गया फोर्टी अपॉन सेवेंटी तो भाई अगर आप नंबर लाइन में एक जगह लिखेंगे ट्वेंटी अपॉन सेवेंटी और यहाँ पर लिखेंगे फोर्टी अपॉन सेवेंटी तो आपके पास बहुत बड़ा गैप है मतलब आप वैसे तो होंगे तो इन्फानाइट मगर आपको अपनी आँखों के सामने जो नंबर दिखते दिखाई दे रहे हैं वो इनके बीच में 20 से लेके 40 के बीच में 20 नंबर तो होते ही ना नेचुरली तो वो आपको दिखाई दे रहा है मतलब अगला जो नंबर होगा वो कितना होगा 21 वन अपॉन सेवेंटी फिर कितना होगा 22 टू अपॉन फिर 23 थ्री अपॉन सेवेंटी ट्वेंटी फोर अपॉन सेवेंटी ट्वेंटी फाइव अपॉन सेवेंटी ऐसे करके 26 सिक्स अपॉन सेवेंटी करते 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 फोर्टी अपॉन्ट सेवेंटी तो मेरे कहने का मतलब है बहुत सारे नंबर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं आपको चाहिए कितने केवल पाँच कितने केवल चाहिए पाँच. पाँच ठीक है ना तो आप पाँच नंबर इसमें से निकाल सकते हैं है ना कोई भी पाँच नंबर आप अपनी चॉइस के आप इसमें से ले सकते हो बोलो बन जाएगा है ना कोई भी ले सकते हो अच्छा दूसरा काम क्या कर सकते हो आप एक तौर तरीका बताऊँ <coughs> आपके पास क्या था टू अपॉन्ट सेवन आपके पास नंबर था टू अपॉइंट सेवन और दूसरा कितना था फोर अपॉइंट सेवन आपको पाँच नंबर चाहिए तो पाँच से एक ज़्यादा क्या होता है छः छः का ऊपर मल्टीप्लाई छः का नीचे मल्टीप्लाई तो ऊपर ऊपर में कह दिया छः इधर छः इधर पे छः इधर पे भी छः तो बोलो कितना हो गया बारह और सात छः कितना होता है फोर्टी टू और नो? ये नो और इधर कितना हो गया चौबीस अपॉन फोर्टी टू तो अभी भी आपको देखो ज़्यादा मिल रहे हैं बारह से चौबीस मतलब बारह नंबर मिल जाएंगे मतलब इसके बीच के नंबर अगर आपको लिखना है तो कितने हो थर्टीन अपॉन फोर्टी टू बोलो यस फोर्टीन अपॉन फोर्टी टू यस ऑनो फिफ्टीन अपॉन फोर्टी टू सिक्सटीन अपॉन फोर्टी टू सेवनटीन अपॉन फोर्टी टू काफ़ी हैं इतने है ना तो आप एक बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों में करो दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाओ दोनों के डिनोमिनेटर क्या बनाओ Same. ये बहुत ज़रूरी बात है दोनों के डिनोमिनेटर आपको सेम बनाने पड़ेंगे तभी आप कुछ कर पाओगे अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे चलो जी बात क्लियर हो गई इतना कोई दिक्कत तो नहीं है चलिए अब बात करते हैं बच्चों अगला इरेशनल नंबर पे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं ओके हेडिंग बनाइए इरेशनल नंबर या तो एक तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर खोजने के लिए दस रेशनल नंबर का पता लगाओ बीस रेशनल नंबर का पता लगाओ पांच का पता लगाओ तो वो कर लेना ठीक है ना अब अगर हम बात करते हैं इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर ठीक है आपने जो ग्रुप देखा अभी अभी उस पर चलो बाद में बात करेंगे इरेशनल नंबर होते क्या पहले आप लोग यही बोलोगे मेरे को सर द नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू बस यही याद है ना कि ऐसे नंबर जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख नहीं।, नहीं सकते हो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर ऐसे नंबर सच ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर ठीक है वो तो सुनी सुनाई बातें हैं ये होते हैं मतलब कोई नंबर है आपके पास एक्स एंड एक्स कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इस नंबर को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो बट क्यों नहीं लिख सकते हो कारण क्या है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में और ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो हाँ बोलो चलिए ट्वेंटी टू बाई सेवन ये तो ऑलरेडी बेटा पी ए पॉइंट क्यू की फॉर्म में है ये पी है और क्यू हाँ तो तो डेसिमल जो नंबर होता है डेसिमल का नंबर भी तो रेशनल होता है ना तो फिर कैसा प्रॉपर नंबर चाहिए आपको हाँ वन पॉइंट जीरो रेशनल हो गया मोन अपॉन जीरो कोई नंबर नहीं है नॉट डिफाइंड है इरेशनल नहीं है देखिए इरेशनल के लिए आप ये नहीं कहिए कि क्यू इक्वल टू जीरो होना चाहिए नो no. आप ये सोच रहे हैं कि इफ़ पी अपॉन क्यू वेर एवर वेन एवर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इसको आपने क्या बोला था रेशनल इसने आपने क्या बोला था रेशनल अब आप ये समझ रहे हैं कि अगर क्यू इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो इरेशनल हो जाएगा नहीं ये डेफिनेशन कहीं से कहीं तक नहीं है अगर क्यू इक्वल टू जीरो हो गया तो आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड समथिंग अपॉन जीरो इक्वल टू नॉट डिफाइंड समथिंग अपॉन जीरो इक्वल टू नॉट डिफाइंड तो बेटा कोई भी नंबर है ऊपर कुछ भी बैठा है पी बैठा है नीचे जीरो हो गया तो वो नंबर तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड उसी को इन्फानाइट बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसी को इन्फाइनट अभी के लिए आप छोटी क्लासेस में इसलिए अब इन अभी नॉट डिफाइंड की बात चलने दो जब आप बड़ी क्लासेस में आओगे तो उसको हम इन्फानाइट लेके समझाएंगे आपको वो होता क्या है तो मैं पूछ रहा था कि इरेशनल कौन सी नंबर है ऐसा कोई नंबर बताओ ट्वेंटी टू अपॉन्ट सेवन तो बेटा रेशनल है हंड्रेड परसेंट रेशनल है बिकॉज पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर <coughs> हाँ अब आप बोलो अब आप बोल रहे हो पाई की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है हाँ ये वो एक अलग चीज है वो तो ज्योमेट्री का पार्ट है कि सर ये पाई की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है अब मुझे बताओ रेशनल नंबर कोई मेरे को एक बताओ कोई इरेशनल नंबर जानते हो इरेशनल नंबर कौन सा नहीं आधार है चलो ठीक है मैं बताता हूँ रेशनल नंबर होता क्या है बेटा रेशनल नंबर के दो मायने हैं रेशनल होने के किसी नंबर के रेशनल होने के दो शर्त हैं <स्थाँग> रेशनल का मतलब है रेशनल का मतलब है कि वो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सके p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सके अब जब आप किसी नंबर को डिवाइड करोगे p अपॉन q मतलब समथिंग अपॉन समथिंग कुछ तो दिया है जैसे मान लो ऊपर दिया है टेन और नीचे दिया है थ्री ऐसा सो so इरेशनल है बिल्कुल है बिकॉज पी अपॉन की फॉर्म में है अब रेशनल में जब आप किसी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो तो दो चीजें हो सकती हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है नंबर वन उसका जो डेसिमल फ्रैक्शन बनेगा मैं किसकी बात कर रहा हूं डेसिमल फ्रैक्शन की किसकी बात कर रहा हूं मैं फ्रैक्शन हो जाएगा टर्मिनेट क्या हो जाएगा बेटा टर्मिनेट हो जाएगा अगर टर्मिनेट हो गया तो 100 परसेंट वो क्या है रेशनल है 100 परसेंट क्या है रेशनल एग्जांपल मैं कर रहा हूं 5 बाई टू देखो बेटा 5 बाई टू ये लो वैसे तो देख के ही पता चल रहा कि रेशनल है क्यों पीएपॉइन की फॉर्म का है पीएपॉइन की फॉर्म का है कि नहीं है बट यदि इन द केस कोई बोल देता है कि भैया इसको साबित करो ये रेशनल कैसे है तो देख लो आ जाओ देखते हैं तो फाइव डिवाइड बाई कितना टू 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 जोर यहां पर डेसिमल जीरो टू टेन। पक्की बात क्लियर हो गया हाँ तो मतलब टर्मिनेट हो गया और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो हंड्रेड एंड वन परसेंट रेशनल होते हैं क्या होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल पक्की बात ना अब दूसरी बात टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो रिपीट करेगा क्या करेगा रिपीट है ना मतलब टर्मिनेट तो नहीं है बट रिपीट करेगा रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं ना बच्चों वो भी क्या होते हैं रेशनल होते हैं क्या होते हैं वो रेशनल यहां मैंने लिखा है वन पॉइंट टेन पॉइंट थ्री और इसको डिवाइड करके दिखाता हूं आपको मैं टेन डिवाइड बाई थ्री हाँ बेटा यू थ्री थ्रीजा नाइन थ्री थ्रीजा नाइन डेस्मल गया क्या उतरेगा जीरो गुड थ्री थ्री जा नाइन वन आया फिर क्या उतरेगा जीरो थ्री थ्री ज़ा नाइन फिर वन आया क्या उतरेगा जीरो सो यू कैन सी द आंसर थ्री पॉइंट थ्री 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 एंडलेस थ्री पॉइंट थ्री बार बिल्कुल से इसको हम थ्री पॉइंट थ्री बार बोल सकते हैं सो यू कैन राइट इट थ्री पॉइंट थ्री का बार हाँ रिपीटिंग डेस्मल है अब रिपीटिंग डेस्मल भी जो होता है वो रेशनल नंबर होता है क्या होता है रेशनल नंबर आपके एग्जाम में क्या आएगा आपके एग्जाम में आएगा कि 3.3333 को रेशनल में कैसे लिखेंगे तो आंसर आएगा 3.33 को हम क्या लिखेंगे 10 अपॉन 3 बट कैसे वो सीखेंगे अभी अपन ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है 100 परसेंट टेस्ट में आपके आएगा मैं अभी बता रहा हूं मतलब रिपीटिंग डेसिमल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना रिपीटिंग डेसिमल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने को आएगा यस yes. किस इसको नोट करना है हाँ अभी चलो तो फिर क्वेश्चन लिखो इसको अरे इसका क्वेश्चन बनाना था तो क्वेश्चन लिख लिया जाए फिर लिखिए हाँ बच्चों पहले ही तो ये बताओ मेरे को ये पूरा समझ में आ गया yes, पक्का ना ठीक है तो इसमें मैंने आपको बताया रेशनल नंबर रेशनल क्या होते हैं अभी तो मैंने रेशनल ही बताया कि रेशनल जो होते हैं दो टाइप के दो टाइप के डेसिमल फ्रैक्शन रेशनल बनाते हैं पहला कौन सा पहला कौन सा सही बोल रही हो बोलो ना टर्मिनेटिंग पहला कौन सा ऑन सेकेंड कौन सा हाँ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मतलब वही है मैंने रिपीटिंग बोल दिया मतलब टर्मिनेट तो नहीं होगा तभी तो रिपीट हो रहा है जो टर्मिनेट हो जाता तो रिपीट का होता नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग तो ये दो केस के अगर फ्रैक्शन है तो वो रेशनल नंबर को बताएंगे इसके अलावा अगर कोई नंबर की वैरायटी आ गई तो वो इरेशनल होगा क्या होगा वो इरेशनल।, इरेशनल होगा तो अब यहां से समझ में आ रहा है कि इेशनल कौन सा होगा जिसमें दोनों नहीं होगा जो टर्मिनेट भी नहीं होगा और जो रिपीट भी नहीं होगा मतलब नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग बस एक ही इरेशनल की क्वालिटी है ना तो ये रुकता है और ना तो ये रिपीट होता है समझ में आया ना ना तो ये रुकेगा ना तो ये रिपीट होगा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ एक रेशनल का एग्जाम्पल देख लीजिए मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा एक्स इक्वल टू वन पॉइंट ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 जीरो वन ज़ीरो 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 वन देख रहे हो डॉट 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 ठीक है क्लियर हुआ क्या ये रुक रहा है वेदर इट इज टर्मिनेटिंग नो इज इट रिपीटिंग नो तो ना तो ये ना तो ये टर्मिनेटिंग है बोली हां yes, और ना ही ये क्या है रिपीटिंग हां सो ना इधर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इस वैरायटी के जितने भी नंबर होते हैं बच्चों इस वैरायटी के सभी नंबर को नाम दे दिया गया है इरेशनल क्या नाम दे दिया गया है रेशनल नंबर इनको आप p अपॉन क्यों की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो p अपॉन क्यों की फॉर्म में इसको आप नहीं लिख सकते हो क्यों नहीं लिख सकते हो इसका भी एक सॉलिड रीजन बता देता हूं जैसे आपके पास लिखा है थ्री पॉइंट वन टू फाइव आप इसका डेसिमल ब्रेक करना चाहोगे तो बड़े आराम से करोगे सर ये डेसमल ब्रेक किया yes, यहां पे वन लगाया और वन टू थ्री जीरो ऐसे ही करते हो ना डेसिमल ब्रेक yes, भाई थ्री के बाद जहां डेसिमल था उसकी जगह वन लगाया और बाकी के थ्री जीरोज कर दिए ऐसे ही दो डेसिमल होता है ब्रेक ठीक है ये डेसिमल ब्रेक कर लिया अब यहां पर क्या प्रॉब्लम है आपने डेसिमल ब्रेक करते करते यहां तक लाए फिर वो आगे बढ़ गया उसको ब्रेक किया फिर वो आगे बढ़ गया तो इसका कहीं पर डेसिमल जाके रुकेगा क्या कहीं रुकने वाला नहीं है तो ये प्रॉब्लम है इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इसको बोलते हैं हम इरेशनल क्लियर हो गया एग्जाम्पल रूट टू रूट टू को अगर आपने एट्थ क्लास में सॉल्व किया है डिवीजन मेथड से अगर डिवीजन मेथड से आपने रूट टू को सॉल्व किया है तो आपने देखा होगा रूट टू होता है वन पॉइंट फोर वन फोर तक तो ठीक आता है उसके बाद कभी रुकता ही नहीं वो चलता ही जाता है थ्री वन एट टू सिक्स वन नाइन चलता ही जाता है कभी खत्म नहीं होता है तो रूट टू कैसा नंबर है इरेशनल कैसा नंबर है irrational. समझ में आ रहा है सो so ये हो गया हमारे इरेशनल रूट फाइव रेशनल रूट फोर है ना रूट फोर तो रूट की प्रॉपर्टी लग गई उसमें रूट फोर इज इक्वल टू यू कैन राइट टू का स्क्वायर बोलो हाँ और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल तो आंसर कितना आ गया टू तो वो तो रेशनल है समझ गया ना बिकॉज टू uh, तो टर्मिनेटिंग है ना टू तो क्या है टर्मिनेटिंग एंड यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ टू अपॉन वन सेवन रूट सेवन की ओनली सेवन रूट सेवन कुछ नहीं होगा बेटा नॉन टर्मिनेटिंग ना इधर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सॉल्व करना पड़ेगा आपको उसको है ना रूट सेवन क्योंकि सेवन किसी का स्क्वायर है क्या नहीं है सेवन किसी का स्क्वायर नहीं है स्क्वायर याद करो वन का स्क्वायर क्या होता है वन टू का स्क्वायर कितना फोर और थ्री का स्क्वायर कितना नाइन ये लो हाँ अगर नाइन का रूट बोलते तो नाइन का रूट थ्री आता तो वो होता आपका रेशनल बट ये रेशनल नहीं है ठीक है बच्चों चलिए तो बनाइए हाँ क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन लिखिए एक्सप्रेस एक्सप्रेस जीरो पॉइंट वन पॉइंट थ्री 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 वन पॉइंट थ्री 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 इन उसके बाद डॉस डैश जाते ही जाएगा है ना इन इन क्या रेशनल नंबर पी अपन क्यू फॉर्म क्वेश्चन मैंने दे दिया है हालांकि पढ़ाया नहीं है मगर आपने कहा चलो दे दो सर तो मैंने दे दिया है 1.3333 इन रेशनल फॉर्म रेशनल नंबर की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है 1.333333 को एक्सप्रेस करनी है आपको इसको 1.333 को रेशनल फॉर्म में तो क्या क्वेश्चन दिया था मैंने एक्सप्रेस वन पॉइंट थ्री 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 अप टू डॉट 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 इन पी अपॉन क्यू इन फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू तो बच्चों पहली चीज तो ये समझ में आ रहा है कि ये कैसा नंबर है रिपीटिंग है कैसा नंबर है और जो नंबर रिपीटिंग होते हैं हंड्रेड एंड वन परसेंट वो क्या होते हैं चलो अच्छी बात है रैशनल होते हैं अब इस रैशनल नंबर को आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है इस रेशनल नंबर को आपको पी एपॉइन क्योंकि फॉर्म में लिखना है कैसे लिखोगे सबसे पहले इस नंबर का कुछ नाम दे दो है ना जी इस नंबर का क्या दे दीजिए नाम चलिए इस नंबर का नाम दे दिया आपने x सो so, x इक्वल्स टू वन पॉइंट थ्री 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 चलने दो वन पॉइंट थ्री 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 चलने दो कोई दिक्कत नहीं है, है ना डॉट डॉट जरूर लगाना वन पॉइंट थ्री इसको आपको एग्जाम में वन पॉइंट थ्री बार कह के भी कर सकता है तो वन थ्री बार मतलब बार बार आएगा थ्री तो ये खोलना आपकी ज़िम्मेदारी रहेगी है ना हाँ तो आप वन पॉइंट थ्री बार लिखा तो उसको क्या लिख लोगे वन पॉइंट थ्री 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 नहीं तब नहीं चलेगा करना पड़ेगा उसको ओपन करना पड़ेगा अब समझो इसको ओपन कैसे करना पड़ेगा ये देखो बता रहा हूँ मैथड इसका पहले इसकी लॉन्ग ट्रिक बताऊँगा इसकी फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा ये दिख गया नंबर ये बताओ रिपीट कितने डिजिट हो रहा है एक डिजिट थ्री ही रिपीट हो रहा है है ना अगर मैं कहता वन पॉइंट थ्री सिक्स थ्री सिक्स थ्री सिक्स तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे होते दो अभी यहां पर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं एक तो एक जीरो वाला नंबर बोलो क्या होगा टेन 10. अगर दो बार रिपीट हो रहा था दो दो जीरो वाला नंबर क्या होता हंड्रेड तो यहां पे एक जीरो वाला नंबर टेन तो मैं क्या करूंगा पूरे में टेन का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में टेन का क्या कर दो हाँ तो टेन एक्स हो गया बेटा बोलो हाँ ये नंबर वन था टेन का मल्टीप्लाई करने से डेसिमल आगे बढ़ता है कि पीछे आता है? पीछे आता है गलत नहीं मतलब इधर को आगे बोल रहा हूं इधर को पीछे बोल रहा हूं राइट right में जाता है कि लेफ्ट में जाता है टेन का मल्टीप्लाई करने पे नहीं मतलब वन के पीछे आ जाएगा थ्री के आगे आ जाएगा ऐसा हाँ मतलब राइट right में शिफ्ट होगा डेसिमल कहां शिफ्ट होगा राइट right में बेटा याद रखो टेन का मल्टीप्लाई करने से जितने मल्टीप्लाई करोगे

ंड्रेड परसेंट इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा इसके बिना पेपर नहीं बनेगा सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक कर दो सेकेंड इक्वेशन है टेन एक्स अनकाउंटेबल एंड ये है माइनस का एक्स फर्स्ट इक्वेशन 1.3333 चलने दो ये कैंसिल हो गए पूरे 13 में से 1 गए कितना बचा और 10x में से एक एक्स गए कितना बचा इक्वल टू कितना 12. So, x इक्वल टू कितना ट्वेल्व अपॉन नाइन फोर थ्री फोर जा ट्वेल्व थ्री थ्री जा नाइन सो एक्स इक्वल टू फोर बाई थ्री और नंबर क्या था एक्स तो था यही जो नंबर था एक्स था हमारे पास था ना इसी नंबर को अब हमने किस फॉर्म में लिख लिया पी अपॉन क्यों की फॉर्म में क्लियर हुआ नोट करो डन वेट क्लियर हुआ बच्चों ओके okay. अच्छे से समझो कहीं पर कोई प्रॉब्लम है बताओ ठीक है ना एकदम हाँ अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया आप एक सेकेंड में सॉल्व कर लोगे कैसे सॉल्व करोगे देखो आराम से नोट कर लेना लिखने का टाइम दूंगा अब इसको कैसे सॉल्व कर लोगे बेटा जैसे आपके पास क्वेश्चन आया वन पॉइंट थ्री 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 बोलो यस ऑन नु। हाँ नीचे ये बताओ कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं वन डिजिट तो जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसके हिसाब से नाइन लगा दो तो यहां पे कितने नाइन आएंगे वन नाइन ठीक है ना अगर दो डिजिट रिपीट हो रहे होते है, तो दो नाइन तीन डिजिट रिपीट हो रहे होते है, तो तीन नाइन ओके नाउ ये जो है वन पॉइंट थ्री बार है कि नहीं है? है ना अब बार नोटेशन में सब कुछ हटा करके लिख दिया थर्टीन क्या लिख दिया लिख दिया, लिग दिया? बार बार सब हटा करके क्या लिख दिया थर्टीन अब ये बताओ जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है वो क्या है उसको माइनस कर दो उसको क्या कर दिया माइनस बोलो थर्टीन में से बन गया कितना हुआ अपॉन कितना चार से काट दो तीन से काट दो तीन चार बार और कितने बार तीन बार आंसर आ गया फोर बाई थ्री कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको ठीक है ना तो जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए बोलो बन जाएगा एनी प्रॉब्लम यदि मैं आपसे बोलूं 1.6 का बार देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा ऊपर क्या लिखूंगा प्लेन 16 बोलो हाँ yes, ये रिपीट नहीं हो रहा माइनस क्या करूंगा वन बोलो ऐसा नो और नीचे कितना नाइन आंसर कितना आ गया फिफ्टीन बाई काट दो ज़्यादा हो तो फाइव बाई थ्री डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आपका इतना ही आएगा फाइव बाई थ्री करके देख लेना सॉल्व चलो अब इसको नोट करो और इसके बाद मुझे 1.6 बार को कन्वर्ट करके दिखाओ वन पॉइंट सिक्स 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 जो है उसको कन्वर्ट करके दिखाओ वेट। हेलो चेक फाइंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन थ्री बाई फाइव एंड सेवन बाई एट ओके बेटा चेक करता हूँ थ्री बाई फाइव और सेवन बाई एट के बीच में आपको थ्री रेशनल नंबर फाइंड करना है तो क्या किया आपने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया हम्म देखो बेटा सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है ठीक है ना तो दोनों के डिनोमिनेटर को हमको सेम बनाना पड़ेगा तो ये फाइव है और ये एट है तो एक काम करिए यहां पर दोनों में ऊपर नीचे कितने का मल्टीप्लाई एट का और इसमें कितने का फाइव का ये बन गया एक्यूवेलेंट फ्रैक्शन बन गया ना अब जब तक बेटा देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं तब तक, तक आगे मत बढ़ो कुछ कर ही नहीं सकते जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं हमारा दिमाग ही नहीं चलेगा सो एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव एट ज़ा फोर्टी एंड सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव अपॉन एट फाइव ज़ा फोर्टी पक्की बात अब देखो अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है तीन नंबर बोले इन लोगों ने और हमें तो वैसे ही दिख रहे है चौबीस से लेकर पैंतीस के बीच में ग्यारह नंबर तो हम बोल के बता लेंगे तो यहाँ पे एक नंबर हमारे पास है कितना ट्वेंटी फोर अपॉन फोर्टी और दूसरा नंबर है थर्टी फाइव बाई फोर्टी पूछे कितने है? तीन तो ट्वेंटी फोर के बाद क्या आएगा बेटा ट्वेंटी फाइव बाई फोर्टी ट्वेंटी सिक्स बाई फोर्टी ट्वेंटी सेवन बाई बोलो क्लियर है हो गए तीन नंबर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी ओके डन नोट करो बेटा इसको <coughs> इसको नोट कर लो कर लिया नोट फाइंड फोर रेशनल नंबर बिटवीन थ्री बाई सेवन एंड फाइव बाई सेवन थ्री बाई सेवन एंड फाइव बाई सेवन के बीच में फोर रेशनल नंबर आपको काउंट करने हैं थ्री बाई सेवन एंड बाई सेवन के बीच में फोर रेशनल नंबर चलिए ओके चलिए देखिए कैसे करेंगे आपको चार नंबर निकालने हैं तो चार से एक ज्यादा क्या होता है पांच पांच का मल्टीप्लाई पांच का डिवाइड क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है तो कुछ करना तो है नहीं तो थ्री बाई सेवन ऊपर फाइव नीचे भी फाइव और फाइव बाई सेवन ऊपर भी फाइव नीचे भी फाइव ये हो गया फिफ्टीन बाई थर्टी फाइव और ये कितना हो गया ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी फाइव अब तो हमारे पास दस नंबर मिल रहे हैं हमें निकालने कितने चार है ना तो पंद्रह के बाद यहाँ कितना सिक्सटीन बाई थर्टी फाइव सेवनटीन बाई थर्टी फाइव एट्टीन बाई थर्टी फाइव एंड नाइन्टीन बाई थर्टी फाइव तो ये इस तरीके से हम जो है दो नंबर्स के बीच में चाहे जितने हम सॉरी रेशनल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है, है बच्चों ठीक अब हम बता रहे हैं कंसेप्ट ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल कंसेप्ट ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल ये आपके एग्जाम में 100 परसेंट आएगा दूसरा क्वेश्चन <coughs> और यदि ग्राफ पढ़ा रखा तो एक क्वेश्चन और आएगा तो अभी जो आज मैंने पढ़ाया उसमें क्या क्या आपके एग्जाम में आएगा एक तो रहेगा रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए दो मार्क्स का तीन मार्क्स का दो नंबर रहेंगे उनके बीच में रेशनल नंबर दूसरा जो मैंने कन्वर्ट करवाया है पी अपॉन ऑन क्यू की फॉर्म का हंड्रेड परसेंट <coughs> अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल टॉपिक डाल लो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल डेसिमल नंबर ठीक है ना बेटा आपके पास कोई यही रेशनल नंबर पी अपॉन q क्यू की फॉर्म में है तो उसका अगर आप उसको डेसिमल एक्सपेंशन करोगे उसको डेसिमल में ब्रेक करोगे तो उसके साथ दो चीज़ें हो सकती हैं या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा बोलो हाँ और या तो क्या होगा वो रिपीटिंग, रिपीटिंग। मेरा कंसर्न है कि बिना सॉल्व करे बिना डिवाइड करे आप बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा कैसे अकेले टू हो तो तो भी चलेगा टू और फाइव साथ में चलिए देखिए अकेले टू हो तो अकेले फाइव हो तो, तो भी चलेगा और टू और फाइव दोनों साथ में हो तो भी चलेगा बिल्कुल सही तो बेटा देखो हम कैसे पता करेंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है आप केवल डिनोमिनेटर को देखो न्योमिनेटर से कोई मतलब नहीं है अगर डिनोमिनेटर की फैक्टर जो क्यू है आपके पास में क्यू की फैक्टर आइदर टू की पावर समथिंग मैंने पावर को क्या ले लिया एम क्या ले लिया एम बिकॉज मेरे को पता नहीं कि अभी टू में कितनी नंबर्स जाएंगे तो या तो डिनोमिनेटर की फैक्टर टू की पावर एम या फाइव की पावर n मतलब ओनली 2 की पावर्स ओनली 5 की पावर्स या 2 और 5 दोनों की मिक्स पावर हों समझ में आया yes, तो आपका जो नंबर होगा वो क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा क्या होगा <coughs> <coughs> बिल्कुल सही जैसे मैं कहूं विदाउट डिवीजन विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन कन्वर्ट वन अपॉन सिक्स ट्वेंटी फाइव वन अपॉन सिक्स ट्वेंटी इंटू डेसिमल एक्सपेंशन करो चलो करो बिना डिवाइड करे वन अपॉन सिक्स ट्वेंटी फाइव को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो डेसिमल में वही डेसिमल जानते हो ना जीरो पॉइंट जीरो जीरो कुछ कुछ कन्वर्ट करो विदाउट डिवीजन विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन बिना डिवीजन करे आप इसको कन्वर्ट करना है हाँ चलो तो आपने कह दिया टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग है कैसे है टर्मिनेटिंग सिक्स ट्वेंटी फाइव में फाइव के फैक्टर होंगे और किसी के तो नहीं होंगे चलो बट इसको सॉल्व करना है कि इसमें आंसर कितना आएगा कुछ क्लिक हो रहा बेटा डिवीजन तो करके होगा बिना डिवीजन के नहीं होगा है ना चलो करके बताता हूं बिना डिवाइड करे इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं देखो कैसे होगा बेटा सबसे पहले मैंने कहा था कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको पकड़ो और उसको फैक्टर करो क्या करो उसके फैक्टर तो 625 के फैक्टर मैंने करने शुरू करे सबसे पहले किसे जाएगा फाइव से कितने बार फिर किसे गया फाइव से कितने बार फाइव फिर किसे गया फाइव, फाइव से कितने बार फाइव बार और फाइव से एक बार बोलो यसोनो मतलब ये है क्या ये है वन अपॉन फाइव की पावर फोर है कि नहीं है वन अपॉन फाइव की पावर फोर अब मैं डेसिमल में बदलने के लिए डेसिमल में बदलने के लिए आपने बताया था या तो फाइव की पावर कंप्लीट हो वन तो रही कम्प्लीट पावर yes. तीन तरीके थे ना yes. डेसिमल में कन्वर्ट होने के आ इधर टू की कंप्लीट पावर डिनोमिनेटर yes. में जो है या तो टू की कंप्लीट पावर हो या फाइव की कंप्लीट पावर हो या टू और फाइव दोनों की कंप्लीट पावर हो आपको जिस लाइन में समझ में आना है उस लाइन में मेरे को रोकिए। है तब फायदा होगा आपका अभी तक जितनी लाइनें समझाई सब क्लियर हैं हाँ बाकी तो मैं प्रैक्टिस से ठीक कर लूँगा मगर जो लाइन आपको समझ में नहीं आ रही वहाँ बताइए कि सर इसका मीनिंग क्या है ना सो कंप्लीट पावर फाइव की है कि नहीं है बताओ है मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा अब कैसे इसको टर्मिनेट करें टर्मिनेट कब होता है डेसिमल कब आता है डेसिमल तब आता है जब आपके नीचे क्या बनता है टेन क्या बनता है टेन तो मैं क्या करता हूँ टेन बनाने के लिए दो के चार जोड़े ऊपर और दो के चार जोड़े नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया क्यों दो के चार जोड़े नीचे टू की पावर फोर और टू की पावर फोर ऊपर और नीचे और ऐसा करने से मेरे आंसर में कोई चेंज नहीं, नहीं आएगा क्योंकि दोनों कैंसिल हो रहे हैं ना जो मैंने नीचे किया वो ऊपर किया इसलिए कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो टू की पावर फोर ऊपर और टू की पावर फोर नीचे तो टू की पावर फोर ऊपर कितना हो गया सिक्सटीन यस वनो अनाओ फाइव टू जा टेन की होल पावर कितना फोर यस और नो फाइव टू जै टेन की होल पावर फोर ऐसे ही होता है ना बेटा देखो सेम पावर है फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने बचपन में ए की पावर एम इन टू बी की पावर एम दिस इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई बी की होल पावर तो वही तो किया हूँ टू फाइव टू जैर कितना टेन की होल पावर कितना पक्का समझ में आया ठीक है भाई हाँ बेटा पावर सबकी सेम आनी चाहिए करनी पड़ेगी ना हम बना रहे हैं पावर सेम फाइव की पावर फोर था हमारे पास टू की पावर फोर ही क्यों ली क्योंकि जितने पाँच हैं उतने दो दोगे तभी तो दस बनेंगे फाइव टू ज टेन आपके पास पाँच कितने हैं चार हैं आपके पास कितने फाइव्स हैं फोर हैं तो उतने ही तो टू दोगे आप उसको तभी तो टेन प्रोड्यूस होगा ना फोर टाइम्स ये सोनो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ एक्चुअली yes, इसको यदि तोड़ करके लिखा जाए बेटा सो यू हैव वन टू थ्री फोर यू हैव फोर फाइव्स ये नो

हाँ लिखो कैसे लिखेंगे आप भी लिखो बेटा युवराज कन्वर्टेड डेसिमल 16 अपॉन 10,000 यस जीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो वन सिक्स सही है गलत है फोर ज़ीरो लगेंगे सही है बिल्कुल सही है बेटा फोर जीरो नहीं लगते हैं एकदम सही है देखो क्या होता है गिनो वन टू थ्री फोर हाँ है ना तो डेसिमल के बाद चार डिजिट होनी चाहिए एक दो तीन और चार तो दो तो ऑलरेडी सिक्सटीन थी तो दो जीरो आपको और लगाना पड़ेगा ये सुनो मेहनत करो बेटा बहुत ज़्यादा अब इसको ब्रेक करके देख लो अगर सही नहीं लग रहा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सिक्स को ब्रेक करके देख लो तो डेसिमल की जगह ये देखो डेसिमल ब्रेक किया ऊपर कितना बचेगा सिक्सटीन नीचे डेस्मल कीजिए कितना वन एंड कितने जीरो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर सीधा रूल है जितने जीरोज़ लगे हैं उतना काउंट कर दो वन टू थ्री फोर और डेस्मल लगा दो ठीक है ना सो so आंसर कितना हो गया जीरो 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 पॉइंट जीरो जीरो वन सिक्स अब आप डिवाइड करने की बात सोच रहे थे हालत ख़राब हो जाती डिवाइड करने में होती कि नहीं होती हाँ और इसको हमने बड़े ईजिली कर लिया ठीक है नोट कर लो अच्छा क्वेश्चन है ये डन सो so, क्या सीख ली आज हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम की फैमिली नेचुरल नेचुरल के बाद होल होल के बाद इंटीजर इंटीजर के बाद रेशनल और रेशनल के बाद एक डिफरेंट फैमिली है जो सबसे अलग है जो सबसे अलग है दैट इज इेशनल दैट इज इेशनल और रेशनल यहां तक आ गई थी क्या रेशनल और ये छोटा सा बॉक्स क्या बन गया इेशनल इन सबको मिला करके जो बड़ी फैमिली बनी दैट इज कॉल्ड रियल नंबर ओके तो रियल नंबर जो है वो सारी फैमिलीज का कॉम्बिनेशन है उस सारी फैमिलीज का कंपोजिशन है रियल नंबर अच्छा सारी फैमिलीज जो आपने पढ़ी उनका क्या है कंपोजिशन है रियल नंबर सबको मिला करके जो नया फैमिली बना है दैट इज कॉल्ड रियल नंबर ओके सो कल हम और डिस्कस करेंगे रियल नंबर के बारे में रियल नंबर को हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे रियल लाइन पे तो so, कल हम रियल लाइन देखेंगे और रियल लाइन पे हम इरेशनल नंबर को प्लॉट करना सीखेंगे कि रियल लाइन पे हम इरेशनल नंबर प्लॉट कैसे करते हैं तो कल अगर आपको इरेशनल नंबर प्लॉट करना है तो आप अपना कंपास लेकर के आइएगा ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के आइएगा क्योंकि उसी की मदद से हम रियल लाइन को इरेशनल को प्लॉट थैंक यू सो मच